हेलो एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तो कैसे हो आप सब तो आज डे 44 है हमारी वेट लॉस जर्नी का और सुबह उठते के साथ मैंने ल्यूपॉम वाटर लिया था और अभी बच गए हैं 11 तो मैं पीने जा रही हूँ लौकी का जूस लौकी सुनते ही दिमाग में आता है कितना गंदा सा जूस होगा बट मी इतना गंदा नहीं होता है टेस्ट में बस थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाला है इसमें एंड दैट्स इट तो अभी बच गए हैं बारह और ब्रेकफास्ट में मैंने बना ली है अपने लिए बॉमिसी ये मैदा वाली बॉमिसी नहीं है सूजी वाली बॉमिसी है तो कोई मुझे कमेंट में कह रहा था कि आप रेसिपी भी दीजिए तो इसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है मैं शॉर्ट्स में आपको मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में आप जाके जल्दी से चेक कर लेना और कुछ रेसिपीज़ तो मैं खुद ही बता देती हूँ वीडियो के साथ साथ ही और कुछ रेसिपीज मैं शॉर्ट्स में डाल देती हूँ तो आप वहाँ से चेक कर लिया कीजिए तो ये बहुत ही ज़्यादा यमी होती है टेस्टी होती है अपना ब्रेकफास्ट इसलिए इतना लेट करती हूँ क्योंकि मैं इंटरमीडेंट फास्टिंग करती हूँ बारह बजे मैं पहला मील लेती हूँ आखिरी मील आठ बजे लेती हूँ तो आठ घंटे का ईटिंग पीरियड रहता है तो मुझे अप्रोप्रिएट यही लगता है कि मैं अपना डिनर थोड़ा लेट तक करूँ आठ बजे तक वरना आप छः बजे तक डिनर करके सुबह दस बजे अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हो तो वो तो बहुत ही वेल एंड गुड है दिन तीन बजे मैं ले आई हूँ अपना लंच लंच में मैंने ली है छोले आलू की सब्जी है एक चपाती है जो कि नॉर्मल वीट की बनी हुई है और कुछ सैलड है दही है दही में अच्छे बैक्टीरियाज़ होते हैं जो कि आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत बहुत तो अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करो और ये मैं ये नहीं कह रही कि आपको यही सब खाना है आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से कैलोरीज में रहना है पोर्शन कंट्रोल करना है अपनी डाइट में और ये डाइट सच में बहुत इफेक्टिव है मैंने खुद ने अपना तेरह किलो वजन कम किया है पी सीयूएस में तो आज मैं अपनी ग्रीन टी में हाफ ऑफ लेमन भी स्क्वीज़ कर रही हूँ और ये क्लियर एंड लाइट वाली ग्रीन टी है मेरे पास में आप चाहो तो थोड़ा सा हनी भी डाल सकते हो पर मैं इसको ऐसे ही ले रही हूँ ठीक है साथ में ये कुछ भुना हुआ चना और भुनी हुई मूंगफली है जो ड्राई रोस्टेड है और ये मूंगफली जली हुई नहीं है एक्चुअली इनका ऊपर से छिलका है जब हम घी बिना घी के ड्राई रोस्ट करते हैं ना तो थोड़ा ये इस तरह से हो जाती है और साथ में ग्रीन टी और अब ये रहे हैं साढ़े पाँच शाम के तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पे देखा होगा कि चीट डे हाँ ये चीट डे है क्योंकि मैंने डिनर में चीट कर लिया था एक्चुअली कोई प्लान नहीं था सुबह से कि मैं कुछ चीट करूँगी तो वैसे तो मैं चीट करती भी दिन में तो मैं डिनर में नहीं करती दिन में करती क्योंकि डिनर में लाइट खा ही सोना चाहिए लेकिन एकदम से बन गया प्लान तो मैंने ये मैकरोनी और मैगी का कुछ कॉम्बिनेशन बना लिया है अपने लिए एक्चुअली मेरे भाई और सबके लिए बना था तो मैंने भी थोड़ा सा ले लिया तो देखो क्वान्टिटी मैंने मतलब बहुत कम भी नहीं ली है बहुत ज़्यादा भी नहीं लिया है एक जितना मील होनी चाहिए कैलोरीज में रहकर के इतनी क्वांटिटी ली है तो कभी भी आपका चीट करने का मन करे तो चीट डेज ना करके चीट मील करें एक मील लें चीट में और वो भी कैलोरीज में रह कर के लें तो रात में सोने से पहले मैंने ये एक टी ली है हर्बल टी जो कि कैफिन फ्री है सबसे अच्छी बात इसकी ये लगती है ये क्लेम करती है कि ये माइंड को रिलैक्स करती है और सच में इसका टेस्ट भी बहुत सूदिंग सा है और इसमें कैमोमाइल प्रेजेंट है तो बस यही ले ली थी और वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करना मुझे आपकी कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और ज़रूर कमेंट में बताना कि आप कहाँ से हो क्योंकि मैं जाना चाहती हूं मेरी वीडियो कहां कहां से देख रहे हो आप लोग